क्या नागिन सिक्स के लिए एकता कपूर की तलाश खत्म हो चुकी है? क्या मिल गई है उन्हें अपनी नागिन? क्या है पूरी जानकारी, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूड्स। नागिन 5 के सक्सेस के बाद से ही नागिन 6 को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब आएगा ये शो, ये सीजन, और कौन कौन सी एक्ट्रेस होंगी, कौन कौन लीड रोल में होगा, इसके लिए बहुत ही एक्साइटमेंट है। हाल ही में खबर आई थी कि नियति फतनानी जो कि हैं कंफर्म हो चुकी हैं लीड रोल के लिए नागिन 6 में, और इनको फाइनलाइज कर दिया गया, लगभग ये फाइनलाइज हो चुकी हैं। तो इसके बाद से ही इनको जब कास्ट कर लिया गया, अब ये खबर आई है रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर आपको मैं बताऊं तो रिधिमा पंडित, जी हाँ, हमारी बहू रजनीकांत शो में वो लीड रोल प्ले कर रही थी, इनको फाइनलाइज कर लिया गया है सेकेंड लीड रोल के लिए। फर्स्ट लीड होंगी या सेकेंड लीड, ये तो आने वाला वक्त बताया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि इनका नाम सामने आया है और इनको कास्ट करने की सोची जा रही है, फाइनलाइज हो चुकी है, ये सारी बातें सामने आ रही है। आपको बता दूं, नियति फतनानी जो कि नज़र सीरियल में हमें नज़र आई थी, और ये तो कास्ट हो चुकी हैं, इन्हें फाइनल लगभग कर लिया गया है, और अब ये खबर आई है कि रिधिमा पंडित, जी हाँ, ये आएंगी, जो कि खतरों के खिलाड़ी में हमें नज़र आई थी और खतरों से खेल रही थी, अब ये नागिन बनके हमें अदाएं दिखाएंगी नागिन की तरह, जिस तरीके से हमने देखा है कि सुरभि चंदना जो कि नागिन 5 में थी, उनके साथ शरद मल्होत्रा थे, उन दोनों की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था। अब देखते हैं कि नागिन 6 में और कौन से कास्ट को फाइनल किया जाता है, क्योंकि अभी तक ये प्रोसेस में है, और एकता कपूर जितनी एक्साइटेड है, उनकी टीम भी उतनी एक्साइटेड है, और वो चाहते हैं कि बेस्ट कास्टिंग हो इस सीजन के लिए। और आपको बता दूं, रिधिमा पंडित और एकता कपूर, इन दोनों की बॉन्डिंग ऑफ स्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा तारीफें भी मिली हैं रिधिमा पंडित को हमारी बहू रजनीकांत के लिए। तो आप सभी से जानना चाहेंगे, आप हमें बताइए क्या आप देखना चाहते हैं रिधिमा पंडित को नागिन बनते हुए, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आप सबकी राय, और देखते रहिए फीफा फूड्स इसी तरीके की खबरों के लिए।